नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव, आप देख रहे हैं News 21 TV एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज मौजूद हैं हम पलवल जिले के सेंट सीआर स्कूल, अलीगढ़ रोड पर स्थित है। यहाँ पर आपको रियलिटी चेक कार्यक्रम के दौरान दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, लाइव कार्यक्रम होगा। सीधे सीधे पलवल जिले में सेंट सीआर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर कोरोना काल के दौरान किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं, जो शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश दे रखे हैं उनका पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है या नहीं। आप हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, जो भी दिखाएंगे आपको लाइव कार्यक्रम दिखाएंगे। जुड़े रहे हैं हमारे साथ, सीधे क्लास में जाने का हम काम करेंगे। अभी बेटा एक बार बेटा कौन सी क्लास है, बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। कौन बच्चा बताएगा आप वैसे स्कूल में पढ़ना ठीक है, घर से पढ़ना ठीक है, बताइए कौन सा बच्चा बताएगा। है कोई बच्चा बताने वाला, कोई नहीं है, आप बताएंगे। बेटा मास्क नीचे कर लीजिए। क्या नाम है आपका? खुशी जी, बताइए। स्कूल्स में पढ़ना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज हमारे जो डाउट्स हैं वो स्कूल्स में आके हमारे क्लियर हो जाते हैं। शायद ऑनलाइन क्लासेस पे जो हर स्टूडेंट है वो अपने डाउट को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपने जो भी उसको डाउट्स है एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जो भी उसके व्यूज़ है, जो भी उसको क्लैरिफाई नहीं हुआ है टॉपिक, अगर क्लियर नहीं हुआ, इवन अगर घर पर बैठ के हम ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं तो हमारे जो भी इंटरनेट कनेक्शन का कभी प्रॉब्लम हो जाता है, कभी हमारे जो नेटवर्क से वो चले जाते हैं। क्लियर हो जाते हैं? हाँ जी, पूरे डाउट क्लियर हो जाते हैं। और बच्चा, और कोई बताएगा भाई? पर एक ही बच्चा है स्कूल में जो बता पाएगा स्कूल में पढ़ना अच्छा है, बताइए बेटा, खड़े हो जाइए, बताना चाहते हैं। हाँ जी, नाम बताइए अपना। शिवानी। कौन सी क्लास है और स्कूल का नाम बताइए? 12th क्लास है और सेंट सीआर कॉन्वेंट स्कूल है। यहाँ पे जो है ऑनलाइन क्लासेस में हमारे नेटवर्क कनेक्शन जो होता है वो बहुत ही पुअर होता है, और बहुत पूरा वर्ल्ड इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से कनेक्शन जो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। लेकिन जो स्कूल है यहाँ पे रैंडमली कोई भी प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकता है और टीचर्स भी सामने होते हैं तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ा जा सकता है। बैठे, बैठे। अच्छा बच्चों, ये बताइए डेली इसी तरीके से बैठते हो आप या आज बिठाया गया आपको? ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को कह दिया गया हो मीडिया वाले आएंगे तो आप इस तरीके से बोल देना? कोई कैसी समस्या हो तो बताइए, फीस के लिए दबाव तो नहीं डालते स्कूल वाले आपको? बाद में फ़ोन मत करना आप हमें, अगर ऐसा है तो बता दीजिए। अभी आपके सामने हम लाइव कार्यक्रम चल रहा है और बता दीजिए अगर कोई कैसी समस्या किसी को हो तो। चलिए ठीक है, ये सेंट सीआर पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं जी, सेंट सीआर स्कूल के बच्चे हैं। यहाँ पर हमने आपसे आपके सामने लाइव पूछा है सभी बच्चों से, कैसी भी कोई समस्या हो तो आप हमें सीधे तौर पर बता सकते हैं। जी मैडम, कौन सी क्लास है? ये जी कौन सी क्लास है बच्चों? आप में से कौन सा बच्चा बताएगा कि स्कूल में पढ़ना ठीक है या घर से पढ़ना ठीक है, बताइए, कोई बताएगा? जी अभी बेटे एक, अच्छा सारे होशियार बच्चे आपने सबसे पीछे बैठा रखे हैं क्या? बेटा एक अपना नाम बताइए। आई एम खुशबू फ्रॉम 9th। और स्कूल? सेंसिया। बताइए। I think in school this is better to study because at home we can't understand. हम घर से इतनी अच्छी तरह नहीं समझ सकते जितनी अच्छी तरह स्कूल में टीचर्स हमें समझा सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ऑनलाइन क्लास तो ऑन कर देते हैं बट कभी कुछ काम करते रहते हैं और कभी कुछ काम करते रहते हैं, स्कूल में टीचर उन पर ध्यान भी रख पाता है और ढंग से पढ़ भी पाते हैं। थैंक यू। और कोई बच्चा बताओ भाई, और कोई बच्चा नहीं है? अच्छा बच्चों, ये बताओ डेली आप इसी तरीके से बैठते हो या आज बिठाया गया आपको? सच सच बताइएगा, ऐसा तो नहीं कि आज आपको हमारी वजह से बिठा दिया गया हो? वैसे कोई स्कूल वाले परेशान तो नहीं करते आपको? अगर करते तो बता दीजिएगा आप हमें। चलिए ठीक है, 9th क्लास के बच्चे हैं, और किसी और दूसरी क्लास विजिट कर लेते। मैडम एक बार आपसे बात कर लें, आप आइए जी, आप आ जाइए इधर। क्या नाम मैडम आपका?
आई एम डॉक्टर किरण पेशी। मैडम ऑनलाइन क्लासेस में क्या दिक्कतें आती हैं पढ़ाने बच्चों को? देखिए ऑनलाइन क्लासेस में तो हमने पूरा सपोर्ट किया है बच्चों के साथ, लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, और जो ऑनलाइन में पढ़ाई होती है उससे जो है कि क्लास फेस टू फेस पढ़ाई में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि बच्चा उस पढ़ाई को इतना सीरियस नहीं ले रहा है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। और दिक्कत तो है ही है क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरे हमारे रिमोट एरियाज में तो नहीं जा पहुंची है, ये एक अर्बनाइज के तरीके से तो नहीं हमें देखना है ना, हमें तो बच्चों का सबका देखना है। तो इस वजह से जो बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी घर में भी ऑनलाइन पढ़ाई करने से भी, तो स्कूल में ज़्यादा बेहतर है क्योंकि फेस टू फेस इंट्रैक्शन टीचर्स के साथ होता है, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। चलिए आगे कौन सी क्लास होगी? आप जुड़े रहें, मैं 3 से 4 क्लास में विजिट कराऊंगा और लाइव प्रोग्राम आपको दिखाएंगे, जो भी कहा आप इन बच्चों ने कहा है जैसा भी होगा आपके सामने बात करेंगे। आर्टिकल्स में बेटा कौन सी क्लास है? बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। कौन सा बच्चा बताएगा स्कूल के बजाय घर में पढ़ना ठीक है, घर के बजाय स्कूल में पढ़ना ठीक है? कौन बच्चा बताएगा, आप बताओगे? वेरी गुड, बताइए। सर हमारे हिसाब से स्कूल में ही पढ़ना अच्छा है क्योंकि घर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं होती और अच्छे से स्कूल के हिसाब से अच्छे से डाउट क्लियर नहीं होते, इस वजह से हमें स्कूल में ही पढ़ना अच्छा लगता है। और कोई बच्चा? बस एक ही बच्चे को लगता है कि स्कूल में पढ़ना ठीक है, बाकी सबको ऐसा लगता है घर में पढ़ना ठीक है? क्या नाम है आपका? मोहित जी। जैसे कि हम घर में पढ़ते हैं तो हमारे जो ज़्यादातर डाउट होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते ऑनलाइन स्टडीज में, इसलिए हम स्कूल को प्रेफर करते हैं ज़्यादा। सेंट सीआर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलीगढ़ रोड पलवल के बच्चे हैं जिन्होंने बताया विस्तार से कि क्यों स्कूल में पढ़ना बेहतर है घर के बजाय। और कोई बच्चा बोलना चाहेगा? चलिए आप ये बताएं कि रोज़ाना इसी तरीके से बैठते हैं, आज हमारी वजह से आप लोगों को बिठाया गया है, ऐसा तो नहीं क्या आप लोग हमारी वजह से ऐसा कह रहे हो? बता दीजिए, मैम खड़ी है, मैम की वजह से नहीं करना है कुछ भी, आप बता दीजिए आप हमें। फीस के लिए दबाव तो नहीं डालते आप लोगों को, क्योंकि रियलिटी चेक कार्यक्रम है, लाइव प्रोग्राम आपका चल रहा है, लाइव लोग देख रहे हैं इसको, अगर कैसी कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं, स्कूल वाले कुछ नहीं कहेंगे आपसे। चलिए ठीक है, सेंट सीआर स्कूल के बच्चों ने बताया कि कैसी कोई समस्या नहीं है, स्कूल वाले बिना वजह परेशान नहीं करते, पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसा कि हमने लाइव प्रोग्राम के दौरान पूछा है बच्चों से। और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी दिखाया गया है लाइव दिखाया गया है, इसमें कोई रिकॉर्डेड कोई चीज़ नहीं होगी, क्यों ज़्यादातर कई बार अभिभावक का फ़ोन हमारे पास आता है कि यार हमें स्कूल वाले परेशान करते हैं। अब रियलिटी चेक कार्यक्रम का सिर्फ मतलब यही है कि जिससे कि ये पता चल सके कि बच्चों से किस तरीके से बात की गई हमारी, और वो देखें अभिभावक भी इस कार्यक्रम को देखें, जुड़े रहें हमारे साथ, अन्य स्कूलों को भी हम आपको दिखाएंगे, और कैसी भी कोई समस्या किसी को हो तो सीधे तौर पर वो हमें कॉल कर सकते हैं, आपको एक नीचे डिस्प्ले में नंबर दिखाई दे रहा होगा, कोई भी स्कूल अगर मनमानी करता हो तो हमसे सीधे कॉल करें, हम आपकी समस्या को प्रमुखता से उठाएंगे। जी सर, सर मास्क हटा ही लीजिए, मास्क हटाएं तो समझ नहीं, हटा लीजिए सर, कोई समस्या नहीं है। जी सर, एक तो आप अपना परिचय दीजिए, स्कूल के साथ आप कैसे जुड़े हैं? स्कूल के साथ कैसे जुड़े हैं? मैं स्कूल का जो है सेंट सीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सीआर पटेल एजुकेशन सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। जी अच्छा सर, दूसरा आप कुछ स्कूल संचालक भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, आपके जिला शिक्षा अधिकारी बघेल साहब भी देख रहे होंगे और अन्य अभिभावक भी देख रहे होंगे, आपकी परमिशन से हमने रियलिटी चेक कार्यक्रम किया है या नहीं आप ये बताएं ना। बिल्कुल हमारी सहमति से आपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। क्यों, कई स्कूल संचालक आरोप लगा देते हैं मीडिया वालों पर, जबरदस्ती मीडिया वाले अंदर घुस जाते हैं, ऐसा तो नहीं ना सर? नहीं ऐसा नहीं है, और हमारे विशेष तौर पर अगर मैं पलवल जिले की मीडिया की बात करूँ तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पलवल जिले की मीडिया को, उन्होंने इस परिस्थिति में जो भी परिस्थिति से हम गुजरते रहे हैं उसको बड़ा सहयोग दिया है और हमेशा हमें हमारा साथ दिया है। अच्छा सर, क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं स्कूल चलाने में? इस कोरोना पीरियड में तो सबसे बड़ी समस्या तो रही है कि बच्चे स्कूल नहीं आ पाए हैं और ऑनलाइन क्लासेस स्कूलों ने तो प्रोवाइड कराई हैं, लेकिन अभिभावक फ़ोन का व्यवस्था नहीं कर पाए, बहुत अभिभावक ऐसे हैं जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं, वहाँ पर नेटवर्क की बहुत समस्या रही है, और कईयों के पास अगर एक फ़ोन भी है और बच्चे 2 या 3 पढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हर बच्चे को जब ऑनलाइन क्लास का समय होता था मोबाइल नहीं मिल पाता था, तो बहुत बच्चे ऑनलाइन क्लास लेने में असमर्थ रहे हैं। अच्छा सर, सेंट सीआर जो शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश हैं, क्या सावधानी बरतने का कार्य कर रहा है कोरोना काल के दौरान? जो
जो गाइडलाइन हमें जारी की गई है उनके अनुसार ही हम विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। जैसे कि गेट पर हम सैनिटाइज करके ही बच्चों को क्लास में अंदर आने देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इज कंपलसरी फॉर ऑल। नहीं, बच्चों को बैठने की बात करें, किस तरीके से बैठाते हैं? एक बेंच पर एक बच्चे को बैठा करके ही शिक्षा दी जा रही है जी। अच्छा सर, आप प्रधान भी हैं स्कूल एसोसिएशन के, एक सवाल आपसे थोड़ा सा हटके बात करेंगे और शायद हो सकता आप हमारी बात से सहमत ना हो, क्योंकि आप स्कूलों के प्रधान हैं। कई स्कूलों में देखा गया कि छोटे बच्चों को बुलाया जा रहा है, फिफ्थ क्लास से नीचे के बुलाया जा रहा है, उस पर एसोसिएशन क्या कार्रवाई करती है? चलो विभाग तो कार्रवाई करेगा, मीडिया का काम है दिखाना, लेकिन एसोसिएशन क्या कार्रवाई करती है? हमने अगर कोई विद्यालय, वैसे तो हमने अभी सभी साथियों को यही कहा है कि सरकार की जो गाइडलाइन है उन्हीं के हिसाब से कक्षाएँ बुलाई जाएँ, लेकिन कई बार जैसे आप कह रहे हैं हमें ऐसा पता लगा है, तो अपने साथियों को हमने बताया है, समझाया है और उनसे कहा है कि कक्षाएं सिर्फ जहां तक सरकार ने अनुमति दी है वहां तक ही कक्षाएं शुरू कराएं, उसे आगे की नीचे की कक्षाएं नहीं बुलाएं। और इसके लिए विशेष तौर पर हम अपने माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी से भी हम ये गुहार लगा चुके हैं कि अब कोरोना का संकट देश से लगभग टल सा गया है। प्रतिदिन अगर हम ऑल ओवर इंडिया देखें तो बहुत ही कम पेशेंट्स आ रहे हैं कोरोना के। दूसरा, पलवल ज़िले का अगर हम देखें तो पलवल ज़िले में कई दिन तो ऐसा भी रहा है कि एक भी पेशेंट कोरोना का सामने नहीं आया है। तो जब कोरोना की जो भय था, या हम कहें कोरोना संक्रमण का जो परिस्थिति थी, वो बहुत सकारात्मक सी होती जा रही है। अभिभावक से कोई अपील करना चाहेंगे सर? अभिभावकों से हमारी अपील यही है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं सरकारी आदेशों के हिसाब से, उन्हें घर पर ऑनलाइन कक्षाएँ से काम कराने की कोशिश करें, क्योंकि सेशन अगर जो है 1 अप्रैल से बच्चा क्लास में, अगली क्लास में आता है तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिलेबस पूरा होने के बाद ही बच्चा अगली क्लास की पढ़ाई ठीक तरह से कर सकता है। थैंक यू। जय हिंद। सेंट सीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलीगढ़ रोड पलवल के संचालक हैं श्री सतवीर पटेल जी, उनसे विस्तार से हमने आपको बात कराई यहाँ, और स्कूल एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। हमने बेबाकी से सीधे सीधे सवाल किए हैं, कई स्कूल वाले जो छोटी क्लासेस को बुलाने का कार्य करें उस पर क्या कार्रवाई करते हैं आपके एसोसिएशन? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, और कई स्कूलों को ये हिदायत दी गई है कि जो शिक्षा विभाग का अगर कठोर कार्रवाई करेगा तो उसके में हम उनके साथ नहीं है। बाकी आप सभी इस कार्यक्रम से सहमत हो तो कृपया ये प्रोग्राम शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा इनकी बिल्डिंग और बाहर से बोर्ड दिखाएँ।